हेलो सर, द ब्लॉग शो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। सर एक बार अपना परिचय दे दें, आप क्या बनाते हैं, किस चीज़ में डील करते हैं, आपका क्या नाम है और कंपनी कब से है, थोड़ी सी एक जानकारी दे दें मुझे। जी, हम लोग माइक्रोफाइबर्स के मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हैं। ओके। और हम लोग पिछले 6 साल से बिजनेस में हैं माइक्रोफाइबर्स के। ठीक है। और हमारी कंपनी का नाम टेक्सास सॉल्यूशंस LLP है। मैं कंपनी का प्रमोटर अक्षय गुप्लानी। ओके। और हमारा माइक्रोफाइबर्स एक्सक्लूसिव प्रमोशन है। Okay. एक्सक्लूसिव मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है हम लोग और हमारे प्राइसेज और क्वालिटी अनबीटेबल है आज तक, और क्वालिटी के ऊपर आज तक कोई क्वेश्चन नहीं है। सर काफी लोग जानते नहीं है माइक्रो फाइबर होता क्या है, तो थोड़ा सा मुझे बता दें कि होता क्या है, मतलब किस चीज में यूज होता है। सर ये पॉलिएस्टर और पॉलीएमाइड का मिक्सचर होता है। ठीक है। इसमें मल्टीपल नैनो फाइबर्स होते हैं जिनको मिल करके जिनसे ये कपड़ा बनता है। ओके। जिसको हम माइक्रो फाइबर बोलते हैं। ठीक है। इसका जो यूसेज है ये बेसिकली क्लीनिंग के लिए होता है। जो हमारा वैसे जो कपड़ा होता है उसके अंदर इतनी वो जर्जर होता है कि वो अपने अंदर डर्ट को वो नहीं समा पाता। क्लीनिंग मतलब किस तरीके की क्लीनिंग? घर की क्लीनिंग, किचन की क्लीनिंग। ओके। आपका गाड़ी की क्लीनिंग। ओके। बेसिक जो हमारी हाउस होल्ड ऑफिस क्लीनिंग, सब जगह माइक्रोफाइबर यूज होते हैं। और आजकल किचन के अंदर बहुत मेजरली माइक्रोफाइबर्स का यूज शुरू हो गया है, बिकॉज इनकी जो परफॉर्मेंस है वो 10 गुना बेहतर है। जो एक हमारा यूजुअल पॉलिएस्टर का जो कपड़ा होता है उससे 10 गुना ज्यादा बेहतर इनकी परफॉर्मेंस है। ठीक है सर, तो ये जो आइटम है क्या बताया आपने इसके बारे में मुझे? जी, ये एक पहला आइटम मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये हमने बेसिकली गाड़ी कार यूजर्स के लिए हमने निकाला था। ठीक है। ये आपकी अपने ओन मैन्युफैक्चरिंग है? जी, हमारी ओन मैन्युफैक्चरिंग है। ठीक है। इसमें आप देखें 3 तरह के कपड़े हैं, 3 अलग 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 इसके अंदर फैब्रिक्स यूज हैं, अलग अलग तरह के माइक्रो फाइबर यूज हैं इसमें। एक बफिंग फैब्रिक है। हाँ जी। दूसरा पॉलिशिंग फैब्रिक है। ठीक है। एक ग्लास क्लीनिंग के लिए है। ग्लास क्लीनिंग का जो फैब्रिक है वो हम ऐसा फैब्रिक यूज करते हैं जो कि माइल्ड हो ग्लास के लिए। ठीक है। हाँ जी। और पॉलिशिंग के लिए फैब्रिक ऐसा यूज करा है ताकि जो कि लिंट्स ना छोड़े गाड़ी के ऊपर। वेयरएज जब आप बफिंग का देखेंगे तो ये ऐसा है जो कि पॉलिश को और रबिंग कंपाउंड को होल्ड करे। तो तीनों अलग अलग फैब्रिक्स यूज करे हैं हमने। बहुत बढ़िया जी। ठीक है। कीमत के बारे में बात करें तो क्या कीमत होगी? इनकी एक कपड़े की इसकी कीमत करीब 35 रुपए है। एक कपड़े की? जी, 35 रुपीज। ठीक है। हमारे पास जो रेंज शुरू होती है वो 17.5 रुपए से माइक्रोफाइबर की शुरू होती है, जो कि 280 GSM का माइक्रोफाइबर है मिनिमम। और मार्केट में जो आम माइक्रोफाइबर आ रहा है वो 140 GSM भी नहीं है। GSM होता है फैब्रिक का वेट डिवाइड बाय उसका कितना डायमेंशन है, उसमें हमारे को पता चलता है कि 1 स्क्वायर मीटर के अंदर उस फैब्रिक का कितना वजन है, मतलब कितना थिक कपड़ा, कितना मोटा कितना है, उससे वजन कितना बन रहा है। जितना ज्यादा GSM उतनी ज्यादा परफॉर्मेंस होगी, उतनी ज्यादा ड्यूरेबिलिटी होगी, शो करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी जी। ये हमारा सबसे मिनिमम GSM का फैब्रिक का माइक्रो फाइबर आता है। इसमें 4 का पैक है। ओके। अगर आप देखें ये कलर भी मुझे अलग अलग कुछ नजर आ रहा है। जी, सारे फैब्रिक्स भी अलग अलग हैं इसके। ठीक है। अच्छा, फैब्रिक अलग अलग है, सारे अलग अलग फैब्रिक्स हैं। हमने एक कॉम्बो बनाया है। ये 17.50 रुपए, 17.5 रुपए का एक कपड़ा पड़ता है। ओके। और जो नॉर्मल पॉलिएस्टर बाजार में बिक रहा है वो भी आज की रेट में 23 रुपए का बिकता है, जिसका GSM इससे आधा है। तो इसका GSM कितना है सर? इसका GSM 280 है। अगर हम इसको वेट भी करेंगे तो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इसका वजन कितना है, और मैं आपको कंपैरिजन भी करके दिखाऊंगा नॉर्मल माइक्रो फाइबर से। ठीक है जी। तो ये आपने 280 GSM का बताया, 280 GSM का। मार्केट में 140 GSM, मार्केट में 140 GSM को माइक्रो फाइबर बोल के बेचे, जबकि वो माइक्रो फाइबर नहीं, पॉलिएस्टर है। ओके 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 जी। ठीक है। अभी मैं आपको इसका कंपैरिजन एक करके दिखाऊंगा। केवल एक नाम दे दिया जाता है कि ये माइक्रो फाइबर। जी, नाम दे जाता है क्योंकि कस्टमर को, अल्टीमेटली कस्टमर को हम अवेयर करना चाह रहे हैं। ये हमारा पर्पस यही है कि कस्टमर को अवेयर करें कि वो माइक्रो फाइबर नहीं, वो पॉलिएस्टर बाय कर रहे हैं। ठीक है जी। मैं आपको अभी इसका दिखाऊंगा वजन करके जी, कैसे कस्टमर अवेयर हो सकता है और कैसे उसको पता रहेगा कि सही चीज क्या है और गलत चीज क्या है। हम इसीलिए आपको, मतलब एक तरीके से फिर तो कस्टमर के साथ चीट हो रहा है जी। तो दोस्तों अब देख लेते हैं इसमें वेट कितना है, जो बताया गया उसी तरीके से है या नहीं है। ये आप देख पा रहे होंगे अपने डिस्प्ले पर, आपको सब कुछ पता चल ही जाएगा दोस्तों। किसी तरीके कोई चीट या फ्रॉड नहीं होगा, आपको सही जानकारियां मिलेगी। अगर हम देखें तो इसका 25 ग्राम आता है। ठीक है। इसका डायमेंशन 30 cm x 30 cm है कपड़े का। ओके। और अगर हम इसको डिवाइड करें तो इसका GSM 280 आता है। 280 आता है, मतलब जो आप बता रहे हैं एक्चुअल वही चीज होगी। हाँ, आप कोई भी चेक कर सकता है हमारे कपड़े को, जो GSM हम कोट करेंगे वही GSM कपड़े का निकलेगा। बट मार्केट में भी काफी मोटे कपड़े मिल जाते हैं सर, 10-10 रुपए, 15-15 रुपए में। मैंने इसीलिए ही आप ये कपड़ा कंपैरिजन के लिए रखा है। अगर आप इसको देखें और आप अगर इस पे जूम करें, मैं आपको दिखाना चाहूंगा।
कि कैसे इस तो कपड़े में फर्क क्या होता है, मतलब कि देखिए इसको जब हम इससे जूम करेंगे, ठीक है, लाइट पे रख के, ओके, ये देखिए आप लाइट पूरी क्लियर पूरा नजर आ रही है, जर-जर दिख रहा है कि इसमें जो फैब्रिक है उसमें वजन कम है और इसमें जो निटिंग है वो कितनी डिस्टेंस पे यूज करी गई है, ठीक है, मतलब सिर्फ ऊपर हल्के से रोए टाइप के हैं, बाकी के अंदर फैब्रिक में फैब्रिक में नहीं है। और अब जो मैं देख पा रहा हूँ, अब मैं आपको अपने मिनिमम जीएसएम के कपड़े से कंपेयर करूंगा इसको, ठीक है। अब दोस्तों देख लेते हैं इनका मिनिमम जीएसएम का फैब्रिक जो अभी इन्होंने 25 ग्राम का दिखाया था, ये 280 जीएसएम आप देख रहे हैं, इसमें पूरा स्प्रेड हो रहा है, आपको कोई भी डिस्टेंस इसमें नजर नहीं आएगा लाइट निकलती हुई, बहुत बढ़िया, उसमें जगह जगह से लाइट जगह जगह से निकल रही है, इसमें एब्जॉर्प्शन बेहतर होगी। ये कपड़ा जो मार्केट में है ये 2 से 3 यूज में हमारा खराब हो जाता है, 2 से 3 बार यूज करने पे खराब हो जाता है। बट आपके पास जो फैब्रिक है वो कब तक उनको यूज कर सकते हैं, कितने टाइम यूज हो सकते हैं, ऐसा कुछ मुझे बता दें आप। जी हम ये जो फैब्रिक्स हैं ये इजीली हमने इसको टेस्ट किया है, ठीक ये है? 40 to 50 वॉशेस करने इन्होंने बहुत इजीली किया है, 40-50 वॉशेस इजीली। कुछ लोगों ने हमारे को बताया कि वो 90 to 100 वॉशेस भी कर पाए हैं इससे, लेकिन हम जो कोट कर रहे हैं हम 40 to 50 वॉशेस इसका कोट करके दे रहे हैं, ठीक है। और 40 to 50 हमने खुद टेस्ट भी किया है, कपड़ा बिल्कुल इंटैक्ट रहता है 50 वॉश के अंदर और कुछ भी नहीं होता है इसको, बहुत बढ़िया। तो ग्लास के लिए अलग बनाते हैं आप? बिल्कुल, ये आप देखें, आप अगर इस पर जूम करेंगे ये हर अलग फैब्रिक का कपड़ा अलग यूज के लिए है। अगर आप पिंक कपड़ा देखेंगे तो वो पॉलिशिंग के लिए है, ठीक है, ब्लू कपड़ा ड्राई करने के लिए है, हरा जो कपड़ा है वो ग्लास को साफ करने के लिए है, और ऑरेंज जो है वो इंटीरियर को साफ करने के लिए कपड़ा है। बहुत बढ़िया, तो सभी की कीमत बराबर होगी? सभी की कीमत एक पैकेज में आते हैं, 4 पीस आते हैं, 17-17.5 रुपए का एक क्लॉथ पड़ता है जिसमें हमारे को, ठीक है सर। नेक्स्ट आइटम दिखाते हैं आप मुझे। जी जो नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये हमारा 2 टॉवल का एक कॉम्बो है, ठीक है। इसका एक टॉवल का डायमेंशन 35x35 सेंटीमीटर है, ठीक है, और 450 जीएसएम इसका वेट है। 450 जीएसएम? जी 450 जीएसएम करने वाले हम चंद लोगों में से एक हैं। यहाँ पे कोई भी 450 जीएसएम बहुत ही जो मार्केट में जो सस्ते माइक्रोफाइबर बिक रहे हैं माइक्रोफाइबर नाम लेके वो उनका जीएसएम 150 से नीचे है सबका। ये 450 जीएसएम है, मैं आपको एक कपड़ा दिखाऊंगा भी और इसका वेट भी बताऊंगा आपको, ठीक है। ये देखिए अगर आप इसके फाइबर्स देखेंगे और इसका वजन देखेंगे फील करके तो ये बहुत क्लोज निट है और इसके बहुत बढ़िया, और ये ऐसा फाइबर है जो डस्ट को अट्रैक्ट करेगा। आप इसको एक बार यूज करेंगे जो बहुत बार क्या होता है कि गाड़ी के ऊपर डस्ट रह जाती है इसको यूज करके ऐसा होता है कि रह जाती है और हम उसको मल्टीपल टाइम यूज करना पड़ता है, ठीक है, डस्ट हटाने के लिए। और होता क्या है कि ऑलरेडी कपड़ा इतना गंदा होता है कि हम जब दोबारा उसको वाइप करते हैं तो डस्ट उसमें से वापस उस पर दोबारा लग जाती है, बॉडी पे लग जाती है। जी इसको अगर आप यूज करेंगे अपने अंदर डस्ट को ऐसे खींच करके रख लेगा और वापस रिलीज नहीं करेगा जब तक आप इसको वॉश नहीं करते। ओके। जी और डस्ट इसके अंदर फंस जाती है। ठीक। अब मैं इसका अगर वजन करूं तो ये इसका जीएसएम जो आता है करीब 440 जीएसएम आता है। अगर आप इसका वेट देखें 50 ग्राम का कपड़ा है और ठीक है। इसका जो डायमेंशन है वो 35x35 है। घर में भी यूज करें कहीं भी यूज करें इसकी लाइफ कम से कम 1 साल इसकी लाइफ है। बहुत बढ़िया। और अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट निकलता है किसी वो हम कोई भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट इसमें आता है हम इसको रिटर्न लेंगे। आप हमारी वेबसाइट है carsars.com उस पर अपनी आप ग्रीवेंस डालिए और बताइए कि आपका प्रोडक्ट में डिफेक्ट निकला है, हमारा एसोसिएट इमीडिएटली उसको रिप्लेस करके आपको नया पैकेट दे देगा। तो ये जो आप मुझे आइटम दिखा रहे हैं कहाँ से मिल सकते हैं किसी को सर? ये परचेज करनी है सपोज दैट कि उनको अपनी दुकान के लिए खरीदना है। हाँ जी। या उनको नया बिजनेस स्टार्ट करना है और आजकल मैं देख पा रहा हूँ कि ऑनलाइन ये आइटम तो बहुत ज्यादा बिकती है, बहुत बिकती उनको है। अगर ऑनलाइन सेल करना है या अपने एंड यूज के लिए लेना है तो कहाँ से मिलेंगे उनको? जी अगर होलसेल में ये प्रोडक्ट चाहिए तो डायरेक्टली हमारे को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके होलसेल
में जो प्राइसेज मैं आपको दे रहा हूँ सारे होलसेल प्राइसेज हैं, ठीक है। अगर किसी को दो एक दो चार पीस चाहिए वो हमारी वेबसाइट carsaz.com से ले सकता है। प्लस हम रिटेल सेगमेंट जैसे 37 कृष्णा मार्ट सुपर स्टोर्स हैं वहाँ भी हम अवेलेबल हैं दिल्ली NCR के अंदर, कोई भी आके वहाँ जाके हमारा ये कपड़ा ले सकता है। सारी रेंज हमारी 37 कृष्णा मार्ट पे अवेलेबल है, प्लस अभी दिल्ली NCR में हम अवेलेबल हैं। अभी हमारे ऑल ओवर इंडिया नेटवर्क रिटेल में टाई अप चल रहे हैं, फ्यूचर में हम वो भी कस्टमर्स को इन्फॉर्म करेंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है जी। बाकी की घर मंगाना चाहे तो carsaz.com पे जाके रिटेल में वो दो या चार पीसेस ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है सर। और होलसेल में आपका नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दे ही रहा हूँ जी, वहाँ से लोग आपको फोन कर लेंगे अगर उनको ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे बिजनेस करना होगा वो हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो रेट मुझे आप बता रहे हैं रिटेल के जी, ये सारे होलसेल प्राइसेस हैं, होलसेल रिटेल के अंदर ये प्राइसेस नहीं है। रिटेल में दो चार पीसेस के लिए हमारी वेबसाइट पे अलग से प्राइसेस दिए गए हैं, उसमें डिलीवरी कॉस्ट ऐड होती है और पर यूनिट पैकिंग कॉस्ट ऐड होती है, तो वो ये प्राइसेस सारे होलसेल डिलीवरी चार्जेस नहीं होंगे जी, डिलीवरी चार्जेस उस पर नहीं होंगे, बट उसमें इन ये प्राइसेस सारे सिर्फ होलसेल प्राइसेस हैं जो हम आपको दे रहे हैं, वो ये रिटेलर्स के लिए या आगे रीसेलर्स के लिए प्राइसेस मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन प्राइसेस हैं। ओके, नेक्स्ट आइटम आप मुझे दिखा दें जी। अब दोस्तों अगली आइटम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट आइटम मैं आपको गाड़ी की वॉशिंग के लिए एक ऐसी चीज दिखा रहा हूँ जो इंडिया में हमने लॉन्च करी है, इसको हम carsaz डॉक्टर वॉश टैबलेट्स बोलते हैं, ठीक है। अगर आप इसको देखें इसमें एक डब्बे के अंदर 5 टैबलेट होती हैं। ये एक टैबलेट है जिससे गाड़ी को शैम्पू सॉल्यूशन बना सकते हैं आप, करीब 8-10 लीटर पानी के अंदर, ठीक है, ल्यूक वार्म वाटर के अंदर हम एक टैबलेट को डाल दें, ओके, तो इस टैबलेट से एक ऐसा सॉल्यूशन क्रिएट हो जाएगा जो एक गाड़ी को इजीली वॉश कर देगा, ओके, ठीक है। और इसमें एंजाइम्स हैं जो कि गाड़ी को सिर्फ वॉश ही नहीं इतना शाइन कर देंगे कि उसको पॉलिश करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बढ़िया, इसकी कीमत करीब 20 रुपए की एक टैबलेट पड़ती है, एक टैबलेट जी। तो इस डब्बे के अंदर कितनी बताई आपने? इस डब्बे के अंदर 5 टैबलेट है जी, ठीक है। मैं देख पा रहा हूँ ऐसी कई सारी कंपनियां हैं जो कार वगैरह वॉश करती हैं वो यूज करती हैं, तो क्या ये आपके यहाँ से सप्लाई जाती है उनकी? बिल्कुल, हमारे यहाँ से जो आप फोम वॉश देखते होंगे, हाँ जी, वो अपनी मशीन के अंदर 10 लीटर पानी में इसको मिलाते हैं, ठीक है, मिला करके वो फोम सॉल्यूशन बनता है और फिर वो गाड़ियों के ऊपर स्प्रे कर देते हैं जी, सारे काफी जगह पे हम लोग दे रहे हैं। तो वो फोम जो है वो इसी टैबलेट से बनती है, इसी टैबलेट से बनती है, फोमिंग टैबलेट भी बोल सकते हैं आप इसको। बहुत बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट आइटम आप मुझे दिखा दें जी। अब दोस्तों अगली आइटम देखते हैं कैसी है इनके पास। नाम, नंबर, एड्रेस और डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दिया, अगर ऑनलाइन ऑफलाइन आप बिजनेस करना चाहते हैं तो ये अच्छे खासे ऑप्शन है। अमेजोन फ्लिपकार्ट पे बहुत ही ज्यादा सेल होती है आइटम्स जी। अब ये अब जो नया कपड़ा है इसको हम वॉफल वीव क्लॉथ बोलते हैं। वॉफल वीव हम क्यों बोलते हैं क्योंकि अगर आप इस पे जूम करके दिखाएंगे दर्शकों को तो इस पे जो वीविंग हुई है वो स्क्वायर वीविंग है जी, इसलिए हम इसको वॉफल वीविंग बोलते हैं। इसका फायदा क्या होता है कि ये वीविंग से एक तो वो पानी खींचता है, ठीक है, प्लस डस्ट इन वीविंग के अंदर आके फंस जाती है जी। ये ऐसा कपड़ा है जो हमारे नॉर्मल माइक्रोफाइबर से 3 गुना ज्यादा परफॉर्म करता है सिर्फ वीविंग की वजह से, क्योंकि इसकी वीविंग वॉफल फॉर्म में है। 3 गुना ज्यादा डस्ट सोखता है और 3 गुना ज्यादा पानी सोखता है अपने अंदर। ओके, कीमत की बात करें तो कीमत क्या होगी सर जी? इसकी कीमत 68 रुपीज एक क्लॉथ की है। इसका GSM 450 GSM है और ये इसको मैन्युफैक्चर करने वाले हम ही लोग हैं। ओके, और इसके लाइफ के बारे में बात करें तो लाइफ क्या होगी इसकी? इसकी लाइफ 1 साल प्लस है और इसको इजी लाइफ तो लोग जिन्होंने बाय किया हमारे को ये भी बताया है कि 2 साल तक कुछ नहीं हुआ, बट हम जो बोल के दे रहे हैं वो 1 साल तक की लाइफ दे रहे हैं। 1 साल तक ये कपड़ा कहीं नहीं जाता अंटिल अनलेस हम इसको बहुत ही रफली यूज करें। दिस इज अ क्लॉथ व्हिच विल लास्ट एटलीस्ट 1 ईयर, ठीक है। और अगली आइटम मुझे आप दिखा दें दोस्तों। अगली आइटम देखते हैं इनके पास क्या है, कैसी है। नाम, नंबर, एड्रेस सब मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन कर ही दिए हैं। अब मैं आपको एक आइटम दिखाने जा रहा हूँ जो अपने आप में एक रेवोल्यूशन है। ओके, अपने वजन का 21 गुना पानी सोक करने का इसके अंदर पावर है, 21 टाइम्स ऑफ इट्स वेट, एंड ये गारंटी है। जो खुद का वेट है उससे 21 गुना ज्यादा जी, और मैं ये गारंटी से बोल सकता हूँ कि इससे बेहतर कपड़ा आज तक शायद ही किसी ने इसको देखा होगा या कभी यूज किया होगा। मैं अभी आपको तो इसको बनाने वाले आप ही हैं सर? जी, हमने ही इसको लॉन्च किया है और इसका जो GSM है इसका जो साइज है वो 40x30 का साइज है और इसमें एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी 350 ml की है। एक ही बार में ये 350 ml पानी सोक कर सकता है। बहुत बढ़िया, एक बार दिखा दें सर आप मुझे इस आइटम को जी। उसको देखते हैं, कुछ नई आइटम है जो कि अपने वजन से 21 गुना ज्यादा पानी सोख सकती है जी। और ये कपड़ा है जहाँ तक मेरी जानकारी है? नहीं, ये कपड़ा नहीं है जी। मैं आपको ये भी बताऊँ, ये पॉलीविनाइल अल्कोहल केमिकल से बना है, PVA। इसको हम कोई ना तो इसमें कपड़ा है ना कॉटन है कुछ है, ये केमिकल है।
ओके ना, ये रबर है या क्या है? ये पॉलीविनाइल पीवीए, इसको पीवीए मटेरियल बोला जाता है जी, केमिकल से ये बना है। इसमें आप ये देखें तो इसको ऑलरेडी थोड़ा सा डैम्प है, आप इसको छू के देखेंगे थोड़ा सा गीला है, थोड़ा सा मॉइस्चर है इसके अंदर, तो ये मॉइस्ट रहता है। इसको पूरा सुखाना नहीं है, हमने पूरा सुखा देंगे तो ये नहीं, बेकार तो नहीं होगा, बट ये एकदम से जकड़ जाएगा, अकड़ जाएगा कपड़ा। हल्का सा मॉइस्ट रखना होता है हमने इस कपड़े को, और इसके अंदर हम जब इसको यूज करेंगे तो इसका एक एक सेगमेंट यहाँ पे आप देखेंगे पानी इसको सोख लेगा, उठाने के बाद भी वो छलकेगा नहीं। अच्छा, ऐसे झाड़ेंगे तो छलकेगा नहीं पानी जी? क्या बात है, मैं अभी आपको दिखाना चाहूंगा जी। ट्रांसपेरेंट आपने ले लिया है ताकि, पता चले कि कितना पानी अब्सॉर्ब, पूरा पता चले कि कितना पानी अब्सॉर्ब कर रहा है। मैं अभी आपको इस पे डाल के दिखाऊंगा। ओके, और देखते हैं दोस्तों कैसा कुछ यहाँ पे आपको डेमो मिल जाएगी, और देखते हैं कितना पानी सोख सकता है ये। मैं आपको कपड़े के ऊपर पानी डाल के दिखाऊंगा। ठीक है, आप देखेंगे इसका थोड़ा, अगर आप जूम करके दिखाएंगे दर्शकों को तो ये एक एक इसके अंदर करीब 300 ml पानी आता है इस कप के अंदर। 300 ml कप है, मैं इसको अभी पूरा इस पे डालूंगा। पूरा पानी सोख जाएगा जी, पूरा पानी सोख जाएगा, और आपको इसका कोई भी रिमेन नीचे पानी का नहीं दिखेगा। ठीक है, मतलब टेबल के ऊपर भी पानी नहीं होगा? पानी नहीं होगा। क्या बात है, इसमें तो जगह काफी बची हुई है मैं देख पा रहा हूँ। इसमें अभी भी एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी और है, और मैं जब आपको इसको सुखा करके जब मैं आपको दिखाऊंगा तो ये अभी भी इसमें, आप देखिए मैंने इसके ऊपर पूरे कप का पानी डाल दिया, और अब मैंने इसको इस पे वाइप किया है, अब टेबल के ऊपर भी पानी अब नहीं बचा है। पूरा पानी इसने इसने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। एक बार मुझे हिला के दिखा सकते हैं इसको, झटके की पानी गिरता है नहीं गिरता? देखिए कोई पानी ये बहुत बढ़िया ड्रॉप नहीं करेगा इसमें से, पूरा इसने एब्जॉर्ब कर लिया है। ये किचन के अंदर बहुत इफेक्टिव है, गाड़ी को सुखाने के लिए बहुत इफेक्टिव है, ठीक है, और कहीं भी आप ऑफिस में यूज करें ये कपड़ा बहुत इफेक्टिव है। क्योंकि किसी भी नॉर्मल कपड़े के अंदर हम क्या करते हैं, उसको मल्टीपल टाइम्स यूज करते हैं, उसको फिर निचोड़ते हैं, फिर यूज करते हैं। इस कपड़े को आप एक ही बार में पूरा शेल्फ, स्लैब, गाड़ी सुखा सकते हैं, और आपको बार बार इसको निचोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात है, आप अगर आप यहाँ देखें तो कोई निशान नहीं छोड़ता है कपड़ा, पानी भी नहीं है और कोई निशान नहीं है, कोई निशान छोड़ेगा नहीं। ठीक है, एक बार मुझे निकाल के दिखा सकते हैं उसमें पानी कितना है? मैं अभी आपको, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अगर आप देखें तो बहुत बढ़िया, काफी पानी था इसके अंदर जी। मैंने इसीलिए ये हमने ये ट्रांसपेरेंट लिया है ताकि अभी भी इसकी अब्सॉर्प्शन कैपेसिटी इससे और ज्यादा है, इससे ज्यादा पानी और ले सकता जी। है बहुत बढ़िया। ठीक है, कीमत के बारे में बात करें सर, कीमत क्या होगी जी? ये मात्र 81 रुपीस का हमने लॉन्च किया है। 81 रुपीस में है जी। इसकी कोई गारंटी वारंटी कुछ होती हो सर? कोई भी अगर इसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है और कोई भी ऐसा इशू है, हम इसको इमीडिएटली रिप्लेस करके देंगे। ठीक है सर, इशू आएगा नहीं, आज तक कोई कंप्लेंट नहीं है इस कपड़े के। ठीक है, मुझे कुछ और आइटम दिखा दें आप जी। दोस्तों यहाँ की नेक्स्ट आइटम आ चुकी है कुछ इस तरीके से, सर बताएं इसके बारे में जी। ये माइक्रो फाइबर ग्लव है। ओके, हमने बहुत सारे माइक्रो फाइबर ग्लव्स देखे होंगे, बट ये 3 लेयर वाला ग्लव है। अगर आप देखें इसमें ग्लास का क्लॉथ है, इसमें पॉलिशिंग क्लॉथ है, और इसमें डस्टिंग क्लॉथ है। ओके, इसको यूज कैसे करना है मैं भी बताऊंगा आपको। ठीक है, जो हमको मान लीजिए ग्लास साफ करना है तो हम ये वाला पार्ट यूज करें, इसको वाइप करें कहीं यूज करके। हमारे को मान लीजिए पॉलिश करना है, अपना फर्नीचर पॉलिश करना है, या हमने गाड़ी को पॉलिश करना है, तो हम सीधा इसको रोटेट करके पीछे ले जाएं। ओके, बहुत बढ़िया। अब ये पॉलिशिंग वाला पार्ट आ गया। थ्री इन वन ग्लव है, बिल्कुल। एक ही ग्लव के अंदर 3 अलग अलग कपड़े हमने स्टिच करे हुए हैं इसके अंदर। ठीक है, और पॉलिशिंग पॉलिश जो हमने यूज कर लिया, अब हमारे को डस्टिंग वाला पार्ट यूज करना है, तो हम इसको फिर से फ्लिप करेंगे और हम इसे डस्ट साफ कर लेंगे, घर की, गाड़ी की, किसी भी चीज की। इसको हमने क्लीन जीनी ग्लव बोला है। इसकी कॉस्ट 81 रुपीज है, और इसको बहुत ही, मतलब ये मेजरली हमारा हिट प्रोडक्ट है जो कि मार्केट के अंदर बहुत लोग लाइक कर रहे हैं। ओके जी, और कस्टमर हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इसको ऑर्डर करने के लिए भी। मुझे सर ट्रांसपोर्ट की सुविधा बताएं कि ट्रांसपोर्ट की क्या सुविधा है, पेमेंट की क्या क्या सुविधा है आपके यहाँ पे जी? पेमेंट हम लोग कैश, NEFT, COD, बैंक ट्रांसफर्स, एनी मोड ऑफ पेमेंट हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, प्लस ट्रांसपोर्टेशन, अगर आपका बल्क ऑर्डर है, हमारे पास मल्टीपल ट्रांसपोर्ट्स अवेलेबल हैं ऑल हर सिटी की। अगर कस्टमर के पास कोई अपना ट्रांसपोर्ट जो उसके नियर बाय है वो हमारे को बताएं,
तो हम उस ट्रांसपोर्ट में भी डिलीवर कर सकते हैं। ओके, और जो सीओडी बता रहे हैं आप, वो रिटेल वालों के लिए, होलसेल वालों के लिए? होलसेल वालों के लिए भी है, सभी के लिए। हम वाया कुरियर सरफेस मोड यूज करके सीओडी मोड अवेलेबल करवा सकते हैं, कस्टमर सामान मंगवा के फिर पे कर सकता है इसके। ओके, ये जो माल डिस्पैच होगा आपके यहाँ से जी, उनके डोर पे मिलेगा या उनको कहीं से पिक करना है? जी, अगर तो ट्रांसपोर्ट से माल जाता है तो उनको पिक करना रहेगा, बट अगर सीओडी मोड में वो हमारे से कुरियर से ऑर्डर करते हैं तब उनके घर पे मिलेगा उनको। ठीक है सर, मुझे कुछ दो तीन आइटम और दिखा दें जी। मैं आपको दोस्तों कुछ और आइटम दिखा के मैं वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। नाम नंबर एड्रेस डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दिए मैंने। ये अगर आप देखें तो ये कार वॉश के लिए हमने एक किट बनाई है। ये एक्सक्लूसिवली एंड टू एंड किट है जिसमें आप पूरी गाड़ी अपनी एक्सटीरियर से धो सकते हैं। आपको इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए होगा, आपकी गाड़ी आपकी पूरी धुल जाएगी इसे। मैं आपको कंटेंट दिखाऊंगा इसके अंदर के। देखिए दोस्तों क्या है इसके अंदर, ये देखें वन बाय वन मैं आपको सारे कंटेंट्स दिखा के एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, उनके यूजेस क्या है वो भी एक बार मुझे जी मैं आपको बताता हूँ। ये फोल्डेबल बकेट है। ठीक है, बहुत बार क्या होता है कि हम ट्रैवल कर रहे होते हैं और हमारे को गाड़ी वॉश करनी होती है, हमारे को गाड़ी वॉश करने के लिए बकेट नहीं मिलता और हम अपने पास कोई बकेट रख नहीं सकते सारा टाइम। तो ये एक कोलैप्सिबल बकेट है जो कि फोल्ड हो जाती है और इसको आप फोल्ड होके पैक हो जाएगी और जब आपने यूज करना है तो खोल के इसको ज्यादा, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, जगह नहीं घेरती और एक कॉम्पैक्ट बॉक्स के अंदर आपकी गाड़ी के अंदर हमेशा ये पड़ा हुआ है। आपने कभी भी इसको यूज करना है निकालिए और अपनी गाड़ी वॉश कर लीजिए। बहुत बढ़िया जी, ये तो हुआ बकेट। ये अलॉय साफ करने के लिए और टायर साफ करने के लिए, हमने बहुत सारे ब्रशेज देखे हुए जो टायर साफ करते हैं, बट अलॉय साफ करने के लिए पहला ब्रश है। इसके ब्रिसल्स जो है वो अलॉयज क्लीन करने के लिए बने हैं। आप अलॉयज के बीच में इसको आप इंसर्ट करेंगे तो ये अलॉयज को पूरा क्लीन कर देगा। इसके हार्ड ब्रिसल्स हैं, अगर आप इस पर जूम करेंगे तो हार्ड जो कि टायर्स के अंदर जो रिमेन्स होंगे उनको निकाल के चमका सकता है। बहुत बढ़िया, ठीक है। इसके साथ हमने एक ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ दिया है जो कि आप सबसे पहले अपनी गाड़ी को बेसिक डस्ट रिमूव करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जो ऊपर डस्ट होता है, कोई रिमेन्स होते हैं, कोई कुछ भी, आप इनिशियल इसको साफ करने हटाने के लिए कपड़ा यूज़ करें। फिर ये स्पंज है, आप शैम्पू का सोल्यूशन बनाएं, इस स्पंज को उसमें इंसर्ट करें और गाड़ी को वॉश करें। तो शैम्पू कहाँ से मिलेगा सर उनको? जी, शैम्पू हमारा जो टैबलेट शैम्पू है जो मैंने आपको भी दिखाया वो ले सकते हैं। तो वो किट में होता है या अलग से लेना जी होता है? ये जो किट है जो मैं आपको प्राइस दे रहा हूँ ये अलग से ही किट के अंदर इंक्लूडेड नहीं है ये। बट अगर कोई कस्टमर चाहे हम उनको इंक्लूड करके दे सकते हैं तो उसमें हम इसकी कॉस्ट ऐड करके उस किट में इंक्लूड करके हम बहुत जगह देते हैं ऑलरेडी, क्योंकि कुछ लोग चाहते हैं कि हम शैम्पू के साथ ही दें। ओके, क्योंकि उनको इजी हो जाएगी सारी चीजें किट के अंदर, यूज करना आसान हो जाएगा। पानी लेना और गाड़ी वॉश करनी, बस एग्जैक्टली, सिर्फ पानी चाहिए होगा और कुछ भी नहीं चाहिए। तो काफी लोग हमारे को शैम्पू इंक्लूड करने के लिए कहते हैं तो हम उनके लिए करते भी हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। और ये स्पंज आपने बताया कि फॉर्म करने के लिए, और वॉश करने के लिए स्पंज को यूज करें। उसके बाद जब हमने इसको यूज कर लिया, वॉश कर दिया, हम पानी से गाड़ी को धो दें और फिर हमने एक वाइपर दिया है डबल साइडेड। आप देखें एक ये साइड और एक ये साइड, दो साइड्स हैं। ये ऊपर से पानी को रिमूव करें पहले, जो एकदम से धोने के बाद पानी बहुत सारा होता है उसको रिमूव कर दें गाड़ी से। ठीक है, अब ये साइड यूज करके उस पानी को सुखा लें। ओके, बहुत बढ़िया जी। फिर उसके बाद आप अगर ये टॉवल हमने दिया है जो कि एकदम ड्राई करने के लिए गाड़ी को सब लोग जानते होंगे कि हम एसी पे जो परफ्यूम यूज करते हैं जी, ये हमारे चार फ्रेग्रेंसेस के अंदर है। आप देखें एक बार नाम बता सकते हो जी? ओशन, लेवेंडर, चेरी एंड वनीला। मतलब ये तो नया हो गया कुछ, ये आइसक्रीम फ्लेवर हमने लॉन्च किया है जी। और इसको आप इसका प्राइस हमने थोड़ा सा ऑड नहीं लगेगा कि वनीला फ्लेवर? सर सबसे ज्यादा चलने वाला फ्लेवर हमारा वनीला है, सबसे ज्यादा ऑर्डर जो होता है वनीला ऑर्डर होता है। और वनीला इसका जो हमने प्राइसिंग रखी है वो 95 रुपीज पर पीस है और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कस्टमर्स बहुत लाइक कर रहे हैं मार्केट के अंदर। आपने बताया 95 रुपीस की है जी, लेकिन बहुत सारी कंपनियां तो इसको 400 रुपए में, मतलब सेम इसी तरीके की क्वांटिटी में जी, 400 में, 350 में, उस तरीके से देती है। हमारा एक ही मोटिव है कि अच्छा प्रोडक्ट रीजनेबल प्राइसेस के ऊपर, एक ही मोटिव, तभी हम मार्केट में आज जो भी हम हमारा लेवल है वो अच्छा भी है, कम रेट में कस्टमर के पास, अच्छी प्राइसेस में कम रेट पे कस्टमर के पास पहुंचेगा। और हमारा एक ही मोटिव है, हमारा मोटिव ये नहीं है कि हमने डे नाइट सिर्फ डबल करके
उसको बेचना है, हमारा एक रीजनेबल अमाउंट और अच्छी क्वालिटी देने का मोटिव है कस्टमर को जी। अब हम दो आपको मैं गाड़ी धोने की स्पॉन्जेस दिखा रहा हूँ, कार वॉशिंग स्पंजेस, ठीक है। एक छोटी स्पंज है, एक माइक्रोफाइबर स्पंज है, दिस इज अ चमोइस स्पंज। इसको हम चमोइस स्पंज क्यों बोलते हैं, अगर आप देखें इसमें हमने ऊपर जो है चमोइस यूज किया है। चमोइस मतलब फैब्रिक, चमोइस फैब्रिक बोलते हैं इसको। मैं एक्सप्लेन करूंगा कि चमोइस फैब्रिक क्या होता है। चमोइस फैब्रिक वो फैब्रिक है जिसमें मेजर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड डस्ट होती है, ये पानी बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। आप अगर देखें इसके पीछे इसमें स्पंज है, फोम है, और हमने इसीलिए इसके अंदर चमोइस के अंदर डॉट्स दिए हैं ताकि वो पानी अंदर चला जाए स्पंज तक और वो उसको अब्जॉर्ब कर ले। इसका इसमें आप एक सोल्यूशन बना करके, अगर आप शैम्पू सोल्यूशन बनाएंगे उसमें आप इसको डिप करके आप गाड़ी वॉश करें, घर के अंदर शेल्फ वॉश करें, कुछ भी वॉश करें, तो इसका काफ़ी अच्छा एब्जॉर्प्शन है और काफ़ी अच्छा इसके ये अपने अंदर डस्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है, क्लीन करेगा तो। ठीक है, दिक्कत कहाँ आती है सर? एक्चुअल काफ़ी लोग इस चीज़ से डरते हैं कि फैब्रिक यूज तो कर लें बट स्क्रैच आ जाता है गाड़ी में। सर ये बिल्कुल भी, ये फैब्रिक का इसका मेजर जो एडवांटेज ये है कि ये लिंट फ्री फैब्रिक है, एक भी स्क्रैच नहीं छोड़ेगा, ये बहुत सॉफ्ट फैब्रिक है। आप इस पर जूम करें, मैं आपको दिखाऊंगा, अगर इसको आप ऐसा फैब्रिक हमने यूज किया है कि ये फोम के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, आप देखें क्या बात है, तो बहुत छोटा हो गया जी। तो इससे तो काफी बड़ा हो जाएगा, इससे ये पता चलता है हमारे को कि इसकी एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा है, जितना ज्यादा ये कॉन्ट्रैक्ट होगा उतना ज्यादा ये फैलेगा, उतना फूल करके अपने अंदर पानी एब्जॉर्ब कर लेगा, अगर आप देखें। ठीक है, मैं कैसे भी करूंगा, ये बहुत ही रफ एंड टफ स्पंज है। अब दूसरा हम जो दिखा रहे हैं आपको, ये सैंडविच डिजाइन की स्पंज है, ठीक है। अगर आप देखें, मैं अभी आपको खोल के दिखाऊंगा और इसके फीचर्स बताऊंगा प्रोडक्ट के जी। बहुत बढ़िया, ठीक है। ये देखें डबल साइडेड, इसके अंदर ये माइक्रोफाइबर्स लगे हैं, इसके डबल यूसेज हैं। ये माइक्रोफाइबर्स जो हैं ये डस्ट अट्रैक्ट करते हैं, अगर आपने कहीं भी डस्ट है, डस्ट को आप इससे वाइप ऑफ करें, ये अपने अंदर डस्ट को अट्रैक्ट करके इसको इमीडिएटली उस सरफेस से वाइप ऑफ कर देगा, ठीक है जी। ये जो पोर्शन है ये माइल्ड पोर्शन है जिसको आप ग्लास पे और ऐसी सर्फेसेज जो जहाँ पे आपको जनरली आप कोई कपड़ा यूज़ करते हैं उस पर लिंट आ जाता है, कोई यूज़ करेंगे तो वो आपको लाइंस दिखती हैं। हाँ जी, हाँ तो ये पोर्शन आप यूज़ करेंगे अगर ग्लास या ऐसी जगहों पे जहाँ पे आपको लाइंस दिखती हैं, तो ये आप कोई भी इंप्रेशन छोड़ेगा नहीं, कोई लाइंस नहीं छोड़ेगा। क्या बात है, बहुत इसको अगर मैं दिखाऊँ तो ये आपको कॉन्ट्रैक्ट करके तो ये इसके अंदर ये भी काफी छोटा हो गया है। इसके अंदर बहुत अच्छी एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी है अगर आप देखेंगे तो। ठीक है, कीमत क्या होगी सर इनके दोनों की, एक बार कीमत बता दें मुझे। इसकी कीमत 109 रुपए है। ओके, ये होलसेल प्राइस है। होलसेल प्राइस है, ठीक है। और इसकी कीमत 48 रुपीज है। 48 ये होलसेल प्राइस है। इनकी पैकिंग वगैरह कितने पीस की होती है, थोड़ा वो जानकारी और दें मुझे। सर इसकी 72 पीसेस का एक कार्टन है। ओके जी, ये 100 पीसेस का एक कार्टन है। ओके, और मिनिमम कोई अगर स्टार्टिंग में थोड़ा कम लेना चाहे 50-40 पीस उस तरीके से कर देंगे, वो भी हम कर देंगे, हम कर देंगे। अगर आप स्टार्टिंग में कुछ 50-60 पीस लेना चाहते हैं, हम इसको इनिशियली आपको वो क्वांटिटीज दे देंगे, कोई इशू नहीं है। बहुत बढ़िया, ठीक है। दा ब्लॉग शो चैनल के सब्सक्राइबर्स को कुछ कहना चाहें सर आप? जी, आपको मैंने सारी आइटम्स जो दिखाई हैं वो जेन्युइन आइटम्स हैं, हम लोग इसके माइक्रोफाइबर्स के मैन्युफैक्चरर्स हैं। जो आइटम हम आपको दिखा रहे हैं वही आपको अल्टीमेटली मिलेगा और वही आप देखेंगे कि कोई भी आपको डिफरेंट चीज़ हम नहीं दे रहे, इसलिए हम आपको सब कुछ वेट करके दिखाया, सब कुछ दिखाया सामने, और वही आप देखेंगे कि डिलीवर भी वही होगा आपको। आप इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।